हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टेक हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो ये डिवाइस मैं आपको पूरी दिखाऊँगा। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है, इससे कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जाती है। तो जैसे कि आप सभी को लगता हो कि ये कोरोना वायरस की जो डिवाइस है, इससे स्क्रीनिंग करके पेशेंट को डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाता है कि इसको कोरोना वायरस COVID-19 पॉजिटिव है या नहीं। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो डिवाइस है, इससे डायरेक्टली कुछ डायग्नोस नहीं होता है। ये एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग की डिवाइस है, थर्मामीटर है, इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं इसको। तो इसका क्या बेनिफिट है कि ये कुछ डिस्टेंस से, कुछ दूरी से पेशेंट का डायरेक्टली टेम्परेचर देख सकता है, डायरेक्टली टेम्परेचर को जो है स्क्रीन कर सकता है। तो इस डिवाइस का यही बेनिफिट है, ये एक थर्मामीटर है। तो जैसे सभी लोग पूछ रहे थे ये कौन सी डिवाइस है जिससे डायरेक्टली पता चलता है कि COVID-19 पॉजिटिव है या नहीं। तो COVID-19 में जैसे फीवर के सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए ये टेम्परेचर देख के थोड़ा गैस लगाया जा सकता है कि ये पेशेंट को COVID-19 पॉजिटिव है या नहीं। बाद में सस्पेक्टेड केस मान के उसकी फर्दर हिस्ट्री ले के कुछ दिन उसको क्वारंटाइन करके उसको देखते हैं कि पेशेंट को वो सिम्टम्स आगे बढ़ रहे हैं या फिर कंट्रोल हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको घर भेजा जाता है। तो इसलिए मैंने आज ये डिवाइस आपको दिखाई कि ये एक थर्मामीटर है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, जिसको बॉडी के साथ टच नहीं किया जाता है, दूर से ही स्क्रीन करके एक टेम्परेचर पता चलता है कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।